हेलो फ्रेंड्स, सीरीज किचन में आपका स्वागत है। और आज मैं लेफ्टओवर चपाती से, यानी कि बची हुई रोटी से, एक बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही जल्द 5 मिनट में रेडी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 लेफ्टओवर चपाती, यानी कि बची हुई रोटी ली है, 1 कप बेसन लिया है, 1 बारीक कटी हुई प्याज, 1 टीस्पून हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सी धनिया पत्ती, सॉल्ट टेस्ट के मुताबिक, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। और पानी लेना है हमें, जितना हमें पानी की ज़रूरत है, यहाँ पर मैंने आधे कप से भी कम पानी लिया है। अब हम बेसन को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, उसमें प्याज ऐड कर देंगे चॉप की हुई, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है, धनिया पत्ती ऐड कर देना है, ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है यहाँ पर मैंने। और अब थोड़ा सा पानी ऐड करके, पहले हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए अब हम इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। तो 2 बार में मैंने ये पानी को ऐड कर दिया है, हाफ कप से भी कम पानी था, ये बड़ा कप है, अगर छोटा कप है तो आप 1 कप पानी लीजिए। इसे मैं विस्कर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ये बहुत ही अच्छे से मिक्स होता है, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहेंगे इस तरह से। तो बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह से होना चाहिए, आप देख सकते हो वीडियो में। तो बैटर हमारा रेडी हो चुका है और यहाँ पर मैंने पैन को गरम कर लिया है। इसमें मैंने 1/2 टीस्पून घी ऐड किया, इसे इस तरह से स्प्रेड कर देना है। और बैटर को एक मरतबा मिक्स करके और बड़े स्पून की मदद से इस तरह से इस पर ऐड कर देना है। इसे हम 2 मिनट ऐसे ही लो फ्लेम पर पकने देंगे। दो से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हो जो ऊपर का हिस्सा है वो ड्राई हो चुका है, मतलब कि अब हम इसे पलट सकते हैं। तो यहाँ पर इसे मैंने पलट दिया है और एक बची हुई रोटी लेकर इसके ऊपर इस तरह से रखना है और इसे हल्के हाथों से या फिर स्पून की मदद से इस तरह से हल्का हल्का प्रेस कर देना है ताकि इस पर स्टिक हो जाए। और फिर साइड से हम थोड़ा सा 1/2 टीस्पून के करीब घी और ऐड कर देंगे। सो फ्रेंड्स, 2 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए अच्छे से कुक्ड हो चुका है। तो आप चाहे तो इसे इसी तरह से प्लेट में निकाल लें या फिर इस तरह से रोल कर लें। आप प्लेट में निकालने के बाद भी रोल कर सकते हो या फिर ऐसे ही इंजॉय कर सकते हो। आप देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है ये देखने में, और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। बाकी का बचा हुआ बैटर भी हमें इसी तरह से कुक्ड कर लेना है। थोड़ा सा घी अप्लाई करना है, स्प्रेड कर देना है, बैटर को एक मरतबा चला लेना है और इसी तरह से स्प्रेड करना है। अब रोटी को मैं डायरेक्ट इस पर रख दूंगी, दोनों जानिब से नहीं पकाते हुए डायरेक्ट रख दूंगी। आप दिखाती हूँ मैं आपको, ये इस पर और अच्छे से चिपक जाएगी। थोड़ा सा इसे मीडियम फ्लेम पर हमें ज़्यादा पकाना पड़ेगा, एक दो बार चेक करते रहिए बीच में। 3 से 4 मिनट के बाद इसे इस तरह से हम साइड से निकाल कर देखेंगे, ये इजीली निकाल रहा है, मतलब कि ये अच्छे से कुक्ड हो चुका है। अगर ये चिपका हुआ है तो आप इसे थोड़ी देर और पकने दीजिए। तो इसे मैंने पलट दिया और आप देख सकते हो अच्छे से पक चुका है। मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है और इसको मैं 4 टुकड़ों में डिवाइड कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से सर्व किया है, इसे 4 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है और आप देख सकते हो दोनों ही देखने में यम्मी दिख रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस रेसिपी को लंच बॉक्स में भी दे सकते हो, बच्चों के, बड़ों के। तो फ्रेंड्स, आप बची हुई रोटी को इस तरह से यूज़ करके देखिए, आई होप कि आपको पसंद आएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब के पास वाले बेल बटन को ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ आपको इसका नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।